Hey people, welcome back to the channel. So first of all, happy new year to each and every one of you whosoever is watching this video right now. And दूसरी चीज़, तुम लोगों ने मुझे 2020 में बहुत सपोर्ट किया, इस चैनल को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. और मैं कोशिश करता रहूँगा जो आने वाले महीने हैं 2021 के, मैं तुम लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करता रहूँ और वैसी वीडियोस बनाता रहूँ जैसा कि आज तक बनाते आया हूँ. और एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग भी इस चैनल को वैसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे आज तक करते आए हो. तो ये तो थी कुछ औपचारिक बातें, अब मुद्दे की बात करते हैं. ठीक है, तो ये है फिफ्थ चैप्टर ऑफ देसी हंगल, जहां पर हम वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वोकैबुलरी मैं तुम लोगों के साथ किसी न किसी तरीके से शेयर करने की कोशिश करूंगा, बट देन आई रियलाइज अगर मैं शेयर कर भी दूंगा तो उसे पढ़कर याद रखना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनके मतलब सेम हैं पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं. तो ये फेयर नहीं होगा कि मैं तुम लोगों के साथ डायरेक्टली जो है वो वोकैबुलरी के लिए शेयर करता रहूँ. उससे बेटर ये है कि मैं कुछ एक वीडियोज़ में तुम लोगों के साथ वो वोकैबुलरी शेयर करता रहूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी चार वीडियोज़ या पाँच वीडियोज़ ऑलरेडी चार शायद हो गई हैं कोरियन लैंग्वेज की अभी तक, जो कि मतलब ठीक ठाक चली भी हैं और तुम लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है, थैंक यू सो मच उसके लिए. और क्योंकि चार वीडियोस अब हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि इस पांचवें चैप्टर में, हालांकि वीडियोस पांच हुई हैं बट फोर चैप्टर वाज इन टू पार्ट्स, तो मैं इसलिए चार वीडियोस को कंसीडर कर रहा हूं. तो जो पांचवें पार्ट या पांचवी वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है वोकैबुलरी के बारे में, और इसके बारे में हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे. तो जो पांचवा चैप्टर है वो एक कॉन्टिन्यूस चैप्टर रहेगा जो कि अलग अलग टाइम पर आता रहेगा अलग अलग पार्ट्स के साथ. हालांकि चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, पांचवें से छठा, छठे से सातवां, ऐसे करके हम चलते रहेंगे. बट बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि अब जो है मुझे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा इस पांचवें चैप्टर के साथ. आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कोरियन लैंग्वेज के बेस को बनाते हैं, और जब भी हम कोरियन लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो वो जो है कोरियन लैंग्वेज की डेली कन्वर्सेशन में, या फिर अगर तुम उन वर्ड्स को अगर समझ लेते हो, सीख लेते हो बोलना या प्रोनाउंस करना, तो वो तुम्हारे डेली डे टू डे कन्वर्सेशन में काम आएंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स के बारे में. तो मैं कोशिश करूंगा एक टेबल बनाने की यहाँ पर, जहाँ पर मैं सबसे पहले वर्ड के बारे में बात करूंगा, जो वर्ड है सेकंड मैं उसमें बात करूंगा मीनिंग के बारे में कि उसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में, एंड देन उसके बाद मैं बात करूंगा कि उसे अमनिदा और समनिदा में किस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है यहां पर, और उसके बाद मैं बात करूंगा कैसे उसे आयो ओयो की फॉर्म में लिखा जाता है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा पहले वर्ड के बारे में जो कि मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में बताया है, जो कि होता है गादा, जिसका मतलब होता है गो, और जिसे लिखने के लिए हम लिखते हैं गमनिदा, ठीक है, और गायो. तो ऐसे करके हम चलेंगे, कुछ एक वर्ड्स हम जो है आज सीखेंगे वो वोकैबुलरी के साथ और उनके मतलब के साथ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं और कैसे उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे उसे रिस्पेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है. तो दूसरे वर्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो होता है ओदा. तो जैसे कि गादा होता है वो, वैसे ओदा होता है कम, और वैसे ही इसे भी बनाया जाता है जैसे ओमनिदा और देन वायो. तो ये रूल्स मैं ऑलरेडी तुम लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में कि कैसे गादा से गायो बनता है, कैसे गादा से गमनिदा बनता है, या अमनिदा समनिदा कैसे यूज होते हैं. अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, फिर से मैंने उनके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर डाल दिए हैं, तुम क्लिक करके उन वीडियोस को पहले देख सकते हो. बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि वो उन वीडियोस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है. तो हम तीसरे वर्ड की बात करेंगे जो होता है बोदा. तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया है बोदा के बारे में, या तो वॉच या फिर सी, ठीक है, और उसे लिखने के लिए हम लिखते हैं बोमनिदा और बायो, ठीक है. तो तुम मेरी प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान दे सकते हो कि कौन सा वर्ड कैसे प्रनाउंस किया जा रहा है, और उसके रूल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे मोक्ता, जिसका मतलब है ईटिंग, ईट, और जिसको लिखा जाता है मोक्सम नीदा और मोगोयो, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे अगले वर्ड की जो होता है अंता, जिसके बारे में मैंने पहले तुम लोगों से बात की है, जिसका मतलब होता है सेट, और जिसे लिखा जाता है अनसम नीदा और अंजायो.
उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ वर्ड की, जिसका मतलब जो है इक्ता, ठीक है, जिसका मतलब होता है रीड, और इसे कैसे लिखा जाता है इसमें हमने पुरानी वीडियो पे भी बात की थी, इक्सम निदा एंड इलगोयो। उसके बाद आता है वर्ड इप्ता, जिसके बारे में हमने पहले भी बात ऑलरेडी की है, जिसका मतलब होता है वियर और इप्सम निदा और इबोयो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले वर्ड की जो होता है आल्दा, जिसका मतलब होता है टू नो, और अमनिदा हरायो। तो यहां पर जो है र कहां गया, तुम लोग अगर फिर भी कंफ्यूज कर रहे हो इस चीज को, अगर तुम यहां देखो, यहां मैंने लिखा है अमनिदा, तो यहां पर अगर तुम लोग इस चीज पर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये अमनिदा क्यों हुआ या आरमनिदा क्यों नहीं हुआ, तो इन चीजों पे मैंने पहले भी वीडियो बना दी है और तुम लोगों के साथ शेयर कर ली है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखो, तभी इन वर्ड्स को कैसे लिखा जा रहा है या फिर क्या रूल्स यहाँ पर लग रहे हैं वो समझ आएंगे, ठीक है। तो आज हमने अभी तक जो है 8 वर्ड्स के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद हमारा 9th वर्ड जो है, 9th इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो है साल्दा, जिसका मतलब होता है टू लिव, और इसे भी सामनिदा लिखा जाता है और सा रा यो ऐसे करके लिखा जाता है। फिर आता है मन्नादा, जिसका मतलब होता है मीट, मन्ना निदा और मन्नायो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेउदा, जिसका मतलब होता है टू लर्न, जिसे लिखा जाता है बेउम निदा और जिसे लिखा जाता है बेवोयो। उसके बाद आता है हमारा 12th वर्ड जो होता है मलहदा, टू टॉक, और जिसे लिखा जाता है मल हमनिदा या फिर मल हेयो। उसके बाद आता है वर्ड 13 जो कि होता है खुम्बू हदा, जिसका मतलब होता है स्टडी और जिसे लिखा जाता है खुम्बू हमनिदा एंड देन खुम्बू हेयो। उसके बाद आता हमारा 14th वर्ड जिसका मतलब होता है जो है हमारा गर्चिदा, जो होता है टीच, गर छिम निदा एंड गर चोयो। उसके बाद आता है खिदारीदा, जिसका मतलब होता है वेट की द रिम नीदा एंड की द र यो किदारियो यो। उसके बाद आता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी माशीदा, तो इसे लिखा जाता है माशिम नीदा और मा शोयो। उसके बाद आता है हमारा वर्ड 17 जो है चिलमुन हादा, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और चिलमुन हमनिदा चिलमुन हेयो,
ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड आता है देदा फादा। जिसका मतलब होता है आंसर। तो जैसे हमने क्वेश्चन के बारे में बात की वैसे ही आंसर के बारे में देदा हमनिदा एंड देदा हे। उसके बाद हम बात करेंगे योरी हादा, जिसका मतलब होता है कुक, और जिसे लिखा जाता है कुछ इस तरह योरी हमनिदा और योरी हेयो। उसके बाद हम बात करेंगे आज के लास्ट वर्ड की, जो कि होता है छादा, जिसका मतलब होता है स्लीप, और जिसे लिखा जाता है छमनिदा और लिखा जाता है छायो। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेसिक है कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो आज का मेरा मकसद था तुम लोगों के साथ वोकैबुलरी के कुछ एक वर्ब्स को शेयर करना, उन्हें कैसे लिखा जाता है, उन्हें कैसे बोला जाता है, और अलग अलग तरीके से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और कैसे आयो ओयो में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर तुम चाहते हो कुछ चेंज करना तो प्लीज़ वो भी तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है, पुरानी वीडियोस को जाके पहले देखना। अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई रूल समझ नहीं आता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट, तुम वहाँ से वो देख सकते हो एंड देन इस वीडियो पर दोबारा आ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट एंड लेट मी नो अगर तुम कुछ भी चेंज करना चाहते हो लैंग्वेज के बारे में, वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में, कुछ भी अगर तुम्हारे कुछ पर्सनल व्यूज हो तो वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। थैंक यू।